साहिल बेटा की ये साहिल बेटा की साहिल बेटा की नाक ही नहीं मेरी सागर लगा दे मोटे नाक तो गाइस सुबह सुबह ये बैठ जाते हैं यहाँ पे एंट्री में आके एंड वैसे हम सोते हैं यहाँ पे बट मम्मी पापा का कहना है कि इसको सांस लेने दो थोड़ा सा पंखे को। तो आपको भी ऐसा लगता है कि पंखों को सांस लेने देनी चाहिए जबकि ये नॉन लिविंग आइटम है? तो आपके घर वालों की भी क्या ऐसी ही थ्योरी है, ऐसी ही धारणा है कि इंसानी पंखा है ये, इसको सांस लेने दो 2-3 घंटे फिर सही चलेगा मस्त। So guys, अभी आए हुए हम बाहर कपूरथला घूमने आए हुए हैं, गांव मस्जिद देख लें। तो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके हैं एंड यहाँ लगी हुई है शबील। एंड शबील किस बात की है? लिम्का कोक स्प्राइट इस की शबील लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम पियेंगे और ग्लास वापस कर देंगे। ये बनाई है पापा ने काजल की फोटो, मेरे को तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, बिल्कुल सेम दाढ़ी मूछ बाल सब कुछ सेम है। और ये काजल ने बनाई है मम्मी, और काजल का कहना है बिल्कुल सेम टू सेम है। ये उल्टी काजल और ये सीधे मम्मी। गाइस न्यू आर्टिस्ट इन द टाउन, गेस व्हाट ही हैज मेड अ पोर्ट्रेट ऑफ मम्मी। मम्मी आपकी मेड बाय कल से ये मम्मी लग रही है। मेड बाय साहिल, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। किसकी फोटो बना रहे हैं? साहिल बेटा, साहिल बेटा की नहीं है, साहिल बेटा की ये साहिल बेटा की, साहिल बेटा की नाक ही नहीं है, सागर लगा दे मोटे नाक। और काजल का कहना है ये सागर लग रहा है बिल्कुल, देखिए। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। Hey everyone, we are back with our recommended by Sagar segment and aaj ki recommendation hai Netflix ki original documentary The Great Hack. It's a documentary about 2016 American election jisme Facebook ne 90% of Americans ka data hack kiya and wo election jeeta tha Donald Trump ne. And ye documentary cover karti hai all the instances regarding the same issue, so zarur dekhna, it's a must watch and you'll definitely love it. Moving back to the vlog. Later that same evening. Guys, main pee raha hu chai and wait kar rahe hain विवेक और प्रणव, और मेरी चाय कंप्लीट होने का वेट हो रहा है। तो ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। एंड डोंट थिंक कि मैंने इनको ऊपर नहीं बुलाया, ये खुद ऊपर नहीं आ रहे, कह रहे तू नीचे आ, बस जिद में अड़े हुए कि तू नीचे आ। 12 seconds later। ओए तुम वैसे लग रहे हो जो सैन एंड्रियास वाला फिल्टर नहीं आया हुआ, तीन जने बातें करते थे। A little later. सो अभी आए हुए हैं लेक पे एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भागे भागे प्रणव आ रहे हैं। एंड हाय प्रणव, यो गाइस हम लगाने लगे रेस, चल क्या था, हम लगाने लगे रेस, जीत गया मैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और फूड ब्लॉगर प्रणव बताइए कैसी है चाम? मैं कब हो गया ये? कब हुआ, कब? शेफ प्रणव टेस्ट लेते हुए, जायका लेते हुए बता भाई, इतना भूखा नहीं होता शेफ, बता रहा हूँ भाई। गाइस बर्गर आ गए हैं, सबने उठा लिया, आप अभी उठा लेते हैं। तो प्रणव क्या कहना चाहेंगे आप हैप्पी बर्गर को? हैप्पी बर्गर ने आपको हैप्पी किया या सैड किया? नाम था उसका वेज हैप्पी बर्गर। हाँ कर रहा है हैप्पी बर्गर तो फोन डाल रहा है खाज के। प्रणव रिव्यू इधर देख कैमरा, व्हाई आर यू कैमरा शाय? कैमरा शाय नहीं, अभी वो दबाव में किसी। मैं आपको दिखाता हूँ दबाव, दबाव दबाव है कि अगर आप शेफ का रिव्यू कर रहे हैं और शेफ सामने हो तो दबाव तो होता ही है, लाजमी है। तो प्रणव क्या कहना चाहेंगे आप हैप्पी बर्गर के बारे में? सजेशन फ्रॉम प्रणव इज कि वेज हैप्पी बर्गर नाम सिर्फ हैप्पी बर्गर होना चाहिए क्योंकि वेजेस के नाम पे कुछ नहीं दिया इन्होंने, पत्ता गोभी तक नहीं मिली है इनको। प्रणव काफ़ी निराश, और कुछ प्याज सस्ते थे, तो प्रणव का कहना है प्याज सस्ते थे। तो प्रणव रेटिंग कितनी देना चाहेंगे, फाइव स्टार्स में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप?
5 में से 5 कह रहा है मैं तुम्हें भाई इतनी कमियां निकाल के कह रहा 5 में से 5 दे दो दादा भूखे हो चरस रंगिया मेरे को प्यारा चरस रंगिया मेरे को प्यारा साहिल आपका रिव्यू क्या है वेज हैप्पी बर्गर के बारे में बस खा लिया और रिव्यू तो है नहीं साहिल का रिव्यू है पेट भर गया सेटिस्फाई भर गया और क्या चाहिए फकीर आदमी है जी अरे हम तो फकीर आदमी है झोला लेके चल पड़ेंगे जी एंड अब आपको दिखाएंगे हम फूड ब्लॉगर कम नई नवेली दुल्हन जो शर्माती है इसको साले को पता नहीं क्या होता रहता देखियो चल अगर तू रिव्यू नहीं देगा सर शीट्स जला के आता हूँ मैं रुक जा भैया ये जला दो जरा गाइस तो विवेक ने प्रिंट आउट कराए हैं ये अपने आंसर शीट्स तो आपको जैसे कि पता है कि ओपन बुक पेपर हो रहे हैं तो गाइस हमें मुहिम चलानी है कि यूनिवर्सिटी ने इससे इतने पेज प्रिंट कराए कितना खर्चा आया तेरा विवेक 300 रुपये तो गाइस आप जितने भी हैं 200 सब्सक्राइबर हैं 150 रुपये डोनेट करें ताकि विवेक की पढ़ाई पूरी हो सके जैसे PNG भी नहीं होता शिक्षा आप एक एक बोतल दूध लें ये एक बच्चे के एजुकेशन के काम आ सकते हैं 150 रुपया देगा Hey everyone, we are back with our UPSC by Sagar segment. First news coming far, far from here. जी हाँ, first news coming from space. Jeff Bezos, जो कि Amazon के CEO हुआ करते थे, जो उनकी अब दूसरी कंपनी है, space की कंपनी Blue Origin. They are ready to take a flight and go to space. जी हाँ, Jeff Bezos जाने वाले हैं space में with their crew members. And interesting चीज़ ये है कि जो Jeff Bezos को दो pilots fly करेंगे space तक, उनकी age. जी हाँ, first is a woman who is aged 82, which is the highest for any astronaut who has gone to space. And other is a male pilot, jo ki 18 saal ke hai sirf, which is the lowest age for an astronaut to go to space. And jo female pilot hai, Wally Funk, unke baare mein ek interesting fact ye hai ki jab wo 52 saal ki thi, to NASA ne ek initiative launch kiya tha, jisme unke paas ek chance tha ki wo fly karengi space tak. But later wo initiative cancel ho gaya and she never got the opportunity to actually go to space. But wo jo pilot hai, unhone khud 3000 और लोगों को रॉकेट फ्लाई करने की ट्रेनिंग दी है इंटरेस्टिंग राइट वेल इस न्यूज़ का तो नहीं पता बट मुझे पता है कि अगली न्यूज़ बहुत लोगों को पता होगी बिकॉज इट इज़ ऑल ओवर द सोशल मीडिया एंड आप लोगों ने भी शायद से ये सुना होगा कि शिल्पा शेट्टी के जो पति हैं राज कुंद्रा उनको अपेरेंटली मुंबई पुलिस अरेस्ट करके ले गई बिकॉज उन पर एलिगेशन लगा है कि ही वॉज प्रोड्यूसिंग पॉन एंड अपलोडिंग इट ऑन द पॉन साइट एंड अब उन पर प्रॉपर कार्रवाई एंड इन्वेस्टिगेशन हो रही है मीन वाइल सोशल मीडिया पर इस पर जम के मीम्स बन रहे हैं एंड कुछ मीम्स तो बहुत ज़्यादा फनी है लाइक एक मीम मैंने पढ़ा था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की फोटो एक साथ लगा के लिखा हुआ था कि बीवी करे योग पति करे संभोग डू यू नो एक बार एक आदमी ने अपनी बाजू पे नेटफ्लिक्स एंड चिल का एक टैटू करवाया एंड बकायदा उसने वो फोटो पोस्ट की सोशल मीडिया पे टैग करके नेटफ्लिक्स को तो बदले में नेटफ्लिक्स ने उसको एक साल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दे दी ये देख के रशिया में डोमिनोज ने एक ऑफर चलाया फॉर 28 डेज कि कोई भी आदमी अगर डोमिनोज का लोगो टैटू में इम्प्रिंट करवाएगा अपनी बॉडी पार्ट पे तो वो उस आदमी को 100 साल तक मुफ्त पिज्ज़ा देंगे तो बस फिर होना क्या था लोगों ने भर भर के डोमिनोज के टैटू करवा लिए एंड डोमिनोज को बहुत जल्दी समझ आ गया कि ये ऑफ़र बहुत महंगा पड़ने वाला है उनको इसलिए उनको ये ऑफ़र 2 दिन में रोकना पड़ा जो कि 28 दिन तक चलना था एंड जो लोगों ने टैटू इम्प्रिंट करवा लिया था उन 2 दिनों में यस दे वर एलिजिबल फॉर 100 ईयर्स ऑफ फ्री पिज़्ज़ा मॉरल ऑफ द स्टोरी कि मुफ्त का पिज़्ज़ा कोई नहीं छोड़ता भाई So that's pretty much it for the vlog, guys. I hope you guys are doing well. आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान जरूर रख रहे होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ मम्मी पापा को वैक्सीन लग गई है आप भी अपने घर वालों को वैक्सीन लगवाइए एंड फुली वैक्सीनेट करवाइए वीडियो में यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड अपने अपने फीडबैक रिकमेंडेशन दो कॉमेंट सेक्शन में आके योर कमेंट्स अप्रिशिएट मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ सो वंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू अराउंड